हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम स्टडी आईक्यू पर। आज है 18 अप्रैल 2021 और हम आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। और यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो यह दिवस हीमोफीलिया, जिसमें कि रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि चोट लगने पर आसानी से रक्त का बहाव नहीं रुकता, और रक्त स्त्राव के अन्य विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा सन 1989 में की गई थी, जिसका इस बार 30वां संस्करण मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन की घोषणा की गई है? म्यांमार देश में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन की घोषणा की गई है। और इस सरकार का गठन म्यांमार देश की सैन्य सरकार के विरोधियों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी भुगतान पर रोक लगाने की घोषणा की है? तुर्की देश द्वारा क्रिप्टो करेंसी भुगतान पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। और यह रोक इसलिए लगाई गई है ताकि जो आजकल ऑनलाइन ठगी का जो व्यापार चल रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। बात करते हैं तुर्की देश के बारे में, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा, राष्ट्रपति हैं रिस्प तैयप एर्डोगन और तुर्की देश की करेंसी है तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो है रोबर्टो बेनिगनी को 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। और यह अवार्ड इन्हें लाइफ इज ब्यूटीफुल नामक फिल्म के निर्देशन और अभिनय करने हेतु दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के मध्य खंजर नामक युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो किर्गिस्तान और भारत देश की सेना के मध्य खंजर नामक युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। और यह युद्धाभ्यास किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया जा रहा है। बात करते हैं किर्गिस्तान देश के बारे में, किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और राष्ट्रपति हैं सादर जापरो और किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उलुकबेव मारिपो और किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित बिलीव नामक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है? सुरेश रैना के जीवन पर आधारित बिलीव नामक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और यह जो बिलीव नामक पुस्तक है, जो कि सुरेश रैना और भरत सुंदरसन द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेक्नो कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को टेक्नो कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश की क्रिकेट टीम के कोच हीथ स्ट्रिक पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया? जिम्बाब्वे देश की क्रिकेट टीम के कोच हीथ स्ट्रिक पर आईसीसी द्वारा 8 साल का प्रतिबंध
लगाया गया है और यह प्रतिबंध इन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर लगाया गया है। और ये जो हीथ स्ट्रिक है ये जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। बात करते हैं जिम्बाब्वे देश के बारे में। तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और राष्ट्रपति है एमरसन स्नानगाउगा। और जिम्बाब्वे की देश की करेंसी है जिम्बाब्वियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काकरला सुब्बाराव का निधन हुआ है, वे किस सम्मान से सम्मानित किए गए थे? तो यह पद्म श्री सम्मान से सम्मानित काकरला सुब्बाराव का निधन हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है? यह अमेरिका देश और भारत ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। और यह फोर्स दोनों देशों के मध्य हुए रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत गठित की गई है। बात करते हैं अमेरिका देश के बारे में। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, राष्ट्रपति है जो बाइडेन और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसके साथ चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने हेतु समझौता किया है? यह नासा ने स्पेस एक्स एजेंसी के साथ चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने हेतु समझौता किया है। और इस समझौते के तहत स्पेस एक्स जो कि एक अंतरिक्ष कंपनी है जो दो यान चंद्रमा पर भेजेगी जो कि जिनमें से एक बिना यात्री और एक यात्री सहित जाएगा ताकि वहां के वायुमंडल का पता भी अच्छे से लगाया जा सके। बात करते हैं स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स की स्थापना 6 मई 2002 को की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है और स्पेस एक्स के संस्थापक हैं एलोन मस्क। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।